मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली सुखना लेक में अच्छी बारिश होने के चलते पानी का स्तर करीब 4 फीट बढ़ गया है। विशेषज्ञों की माने तो अगर ऐसे ही 3-4 दिन और बारिश होती है तो सुखना लेक से पानी छोड़ने के लिए दोबारा इस साल भी गेट खोलने पड़ेंगे। मासूम बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाने वाले मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बेहद शर्मनाक और शर्मसार करने वाला मामला चंडीगढ़ के राम दरबार से सामने आया है, जहां किसी और ने नहीं बल्कि मां के भाई यानी कि मामा ने ही अपनी 4 साल की भांजी से बलात्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जाँच और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला की नई अनाज मंडी में बीते रविवार भीषण आग लग गई, जिसमें रखी गेहूं व मक्का जलकर राख हो गया। सैकड़ों दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नजदीक खड़ा एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि आग बारिश के कारण हुए शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी। जीटी रोड स्थित पानीपत के टोल प्लाजा पर बीते दिन पुलिस कर्मी ट्रक वालों से रिश्वत लेते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके बाद इस वीडियो के वायरल होने पर जब ये खबर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने तो उन तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। सवाल ये उठता है कि रिश्वत लेने वाले की मानसिकता पर आखिर सरकार का कौन सा कदम लगाम लगा सकता है। मंत्रालय बदले जाने से चल रहे नाराज सिद्धू ने ट्विटर कर पंजाब कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जून में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से शहरी निकाय के साथ पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग वापस ले लिया था और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंप दिया था। सिद्धू से विभाग वापस लेते हुए इसके लिए उनके खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया गया था। मोदी है तो मुमकिन है, पाकिस्तान को फिर सताया मोदी डर। बीते दिन करतार कॉरिडोर पर बातचीत के बाद खालिस्तानी समर्थक गोपाल चावला को करतारपुर समिति और पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। सबसे मुश्किल मानी जाने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा सोमवार यानी कि आज से शुरू होगी। अब श्रद्धालु मोबाइल ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव हिमाचल के कुल्लू जिला में विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 18,570 फीट है। श्रद्धालुओं को श्रीखंड चोटी पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 35 किलोमीटर की जोखिम और रोमांच भरी पैदल यात्रा के 8 ग्लेशियर पार करने होंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुमार घाटी नाहन मार्ग पर एक ऊंची इमारत ढह गई। इस इमारत के नीचे सेना के करीब 35 जवान मौजूद थे, जिनमें से 17 को बचा लिया गया है। एडीएम विवेक चंदेल ने बताया कि इस हादसे में अब तक 7 की मौत हो चुकी है। मृतकों में सेना के 6 जवानों के साथ एक आम नागरिक शामिल है। अभी कई जवान मलबे में फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट ने सहकर्मी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत करने वाली महिला पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला का आरोप था कि पूर्व सहकर्मी ने 2011 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। जांच समिति ने पाया कि शिकायत में दिए गए यौन उत्पीड़न के तथ्य साबित नहीं हो पाए। दिल्ली का दिल करके जाने वाले कनॉट प्लेस में आकर्षण के केंद्र सेंट्रल पार्क में प्रवेश के लिए नई दिल्ली पालिका परिषद कुछ पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। दरअसल इस पार्क में सैर या विश्राम करने वालों में अधिकतर प्रेमी जोड़ों के घंटों बैठने और शाम के वक्त घूमने वाले नशेड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए शुल्क लगाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल उठता है कि कुछ लोगों के व्यवहार के कारण क्या अन्य लोगों की जेब पर बात सही है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।